कहा जाता है कि एक बादशाह ने हातिम ताई की शोहरत सुनी तो उसके दिल में हसद के जज्बात पैदा हुए और उसने सोचा कि जब तक हातिम जिंदा है मुझे इज्जत और शोहरत हासिल ना होगी, मैं भलाई के कैसे भी काम करूं लोग हातिम ही की तारीफ करते रहेंगे। चुनाचे उसने एक चलाक और लड़ाई के दाव घात जानने वाले शख्स को इस काम पर मुकर्रर किया कि वो जिस तरह भी हो सके हातिम का सर काट कर लाए। किराए का ये कातिल अपने तरकश को तीरों से भरकर और तलवार की धार तेज करवाकर उस इलाके की तरफ रवाना हो गया जहां हातिम ताई रहता था। वहां इसकी मुलाकात एक बहुत ही खुशरो खुशगुफ्तार और खुश अतवार शख्स से हुई। जब इसे ये मालूम हुआ कि ये शख्स मुसाफिर है तो वो किराए के कातिल को अपने घर ले गया और ऐसे खलूस से उसकी खातिर तवाज़ो की कि वो उसका गर्विदा हो गया। दूसरे दिन जब उसने रुखसत होना चाहा तो नेक शख्स ने इसरार किया कि चंद दिन मेरे पास ही रहिए और मुझे खिदमत करने का मौका दीजिए। उस शख्स के दिल में मेज़बान की बहुत इज्जत पैदा हो गई थी। उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोला, मैं खुद चाहता था कि कुछ दिन आपके पास रहूं, लेकिन एक ऐसा ज़रूरी काम दरपेश है कि रुक नहीं सकता। मेज़बान बोला, अगर आप रास्तार बनाना पसंद करें तो शायद इस काम में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। ये बात सुनकर किराए के कातिल ने राजदारी के अंदाज में कहा, काम ये है कि मेरे बादशाह ने मुझे हातिम ताई को कत्ल करने का हुक्म दिया है। मैं उसका सर काट कर बादशाह के पास ले जाऊंगा। अगर आपको हातिम का पता मालूम हो तो मुझे बता दें। ये सुनकर वो शख्स मुस्कुराया और सर झुका कर कहा, हातिम ताई तो मैं हूँ, आप शौक से मेरा सर काट लें और इसी वक्त रवाना हो जाएं। अगर ये काम अब ना किया तो हो सकता है लोग फिर आपको ऐसा ना करने दें और नुकसान पहुंचाएं। हातिम ताई की बात सुनकर वो शख्स उसके पैरों पर गिर गया और इस बात पर शर्मिंदगी का इजहार करने लगा कि उसने ऐसी अजीमुल शान सरदार को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। उसने अपनी तलवार और तरकश एक तरफ फेंक दिया और ये कहकर वहाँ से रवाना हो गया कि कत्ल करना तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो ऐसे मोजस सरदार के जिस्म पर फूल मारना भी गवारा नहीं कर सकता। हातिम ताई से रुखसत होकर वो बादशाह के पास पहुँचा तो बादशाह ने बासपुरस की, लेकिन जब उसने हातिम की जवान मर्दी और दरिया दिली का वाक़ा सुना तो उसके दिल से हसद जाता रहा और उसने इतराफ़ किया कि हातिम वाकई उसका हकदार है कि खल्क़े खुदा उसकी तारीफ़ करें।